10 अगस्त को टाइम्स नाउ ने अपनी हिंदी और अंग्रेजी चैनल से ये वीडियो ट्वीट किया। ये पत्रकार प्रदीप दत्ता की एक वीडियो रिपोर्ट है जिसे जम्मू के एक मस्जिद में शूट किया गया है। सबसे पहले तो आप बारी बारी से ये दोनों वीडियोस देख लीजिए। एटमॉस्फेयर ऑफ पैट्रियोटिक ज़ील एंड फर्वर हैज ग्रिप्ड ईच एंड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। राइट नाउ आई एम इनसाइड अ मॉस्क एंड यू कैन सी हाउ पीपल आर होल्डिंग ट्राइकलर एंड राइट नाउ यू कैन सी क्लेरिक हियर इज ट्राइंग टू इनकल्केट स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म अमंग पीपल एंड आफ्टर एवरी प्रेयर्स ही इज ट्राइंग टू टेल देम दैट हाउ दे हैव टू unfold tricolor as the country is celebrating 75th year of Amrit Mahotsav. मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये पैगाम जो सर हम दे रहे हैं, ये हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी जब हुई है, आज तक जो 15 अगस्त आने वाला है उसमें 75वीं बरसी बनाने जा रहे हैं हम, तो ये तिरंगा जो है ये हम मैसेज ये देना चाह रहे हैं हर मस्जिद से, हर जगह से, हर कोठे से, हर कचहरे से, हर गली से ये मैसेज जाना चाहिए कि तिरंगा जो है हर घर में लगना चाहिए। मैं इस समय एक मस्जिद के अंदर हूँ और आप देख सकते हैं किस तरीके से मौलाना साहब अपने हाथ में तिरंगा लिए सरमन दे रहे हैं लोगों को। नमाज के बाद कह रहे हैं कि हर घर तिरंगा आपको लगाना होगा क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना होगा। आपको उन शहीदों को याद करना होगा जिन शहीदों ने आज़ादी के लिए कुर्बानी दी और जो शहीद आज भी कई वर्षों से पाकिस्तान के आतंकवाद से लड़ते हुए अपनी शहादत दे रहे हैं। टाइम्स नाउ के रिपोर्टर ने मस्जिद में बोल रहे शख्स को मौलाना बताया। टाइम्स नाउ नवभारत ने 12 अगस्त को दो बार ये वीडियो रिपोर्ट शेयर की और लिखा कि मस्जिदों से हर घर तिरंगा लहराने की अपील की गई है। आइए जानते हैं इस वीडियो रिपोर्ट की असलियत क्या है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट ध्यान से देखने पर कुछ बातें नोटिस की जा सकती है। स्टोरी के केंद्र में रिपोर्टर है, वो इस तरह से स्टोरी नरेट करता है जैसे कि उपदेश दिया जा रहा हो। रिपोर्टर इस कार्यक्रम के बीच में ही कथित मौलवी और वहां मौजूद लोगों का इंटरव्यू लेता है। एक रिपोर्टर द्वारा किसी सार्वजनिक कार्यक्रम के बीच में जाकर लोगों से बातचीत करना अजीब है। ऐसा मालूम पड़ता है कि कथित मौलवी और स्थानीय लोगों के साथ रिपोर्टर की बातचीत जबरदस्ती से की जा रही हो। हमने देखा कि टाइम्स नाउ के ट्वीट्स पर कमेंट करते हुए आसिफ इकबाल नामक इस यूजर ने लिखा कि वीडियो रिपोर्ट में दिख रहा शख्स मौलवी नहीं बल्कि किसी राजनीतिक दल से जुड़ा व्यक्ति है। इसके बाद हमने कुछ स्थानीय पत्रकारों से संपर्क किया। पत्रकारों के मुताबिक वीडियो में दिख रहा शख्स मोहम्मद रफी शेख उर्फ पिंका है और ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लिए काम करता है। उन्होंने हमें ये भी बताया कि टाइम्स नाउ की वीडियो रिपोर्ट हिदायती फाक्सू जामा मस्जिद में रिकॉर्ड की गई थी। कीवर्ड सर्च करने पर हमें नवंबर 2021 की ये रिपोर्ट मिली जिसमें रफ़ी को अपनी पार्टी का ब्लॉक महासचिव बताया गया है। ऐसे ही सितंबर 2021 के इस इंटरव्यू में रफ़ी को जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सुप्रीमो अल्ताज बुखारी के बगल में खड़े हुए देखा जा सकता है। ऑल्ट न्यूज़ ने मोहम्मद रफ़ी शेख से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि वो JKAP से जुड़े एक स्थानीय नेता है। रफ़ी ने बताया कि मैं मौलवी, इमाम, आलिम या किसी मस्जिद का सदस्य नहीं हूँ। रफ़ी ने ये आरोप भी लगाया कि भारतीय सेना ने टाइम्स नाउ के रिपोर्टर के साथ मिलकर उन्हें मस्जिद के अंदर झंडा फहराने और वहां बोलने के लिए मजबूर किया था। हमें द चिनाब टाइम्स का ये वीडियो मिला जिसमें मस्जिद में मौजूद स्थानीय लोगों सहित रफ़ी शेख और नायाब इमाम ने भी रिपोर्टर से बात की थी। हमने टाइम्स नाउ के वीडियो में दिख रहे कुछ लोगों से बात की। मस्जिद के नायाब इमाम अब्दुल कबीर ने भी रफ़ी शेख की बातों से सहमति जताई। ये आर्मी के थ्रू मीडिया आई थी तो बाद में लोगों ने बताया ये गोदी मीडिया थी, इन्होंने ये कर, ये हमें ये समझ आ गई ये कोई पॉलिसी चल रही है हमारे खिलाफ। ये पॉलिसी किसने खेली हमारे खिलाफ हमें पता नहीं है, लेकिन हम इसकी पूरी तरह से लोगों से माफ़ी लेते हैं कि हमसे ये करवाया गया है, ना कि हमने इससे ना करेंगे अपने मजहब के खिलाफ ना ये कर। लोगों को पता है कि मैं एक सियासी आदमी हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैंने इलेक्शन लड़े हैं, मैं ना किसी मस्जिद का इमाम हूँ, ना मैं किसी मस्जिद का सदर हूँ, ना मैं कभी तक आज तक इमाम रहा हूँ, ना मैं कोई आलिम हूँ। वो तो बता रहा है आपको, आप इमाम वो बता रहा है तो आपको ये समझ नहीं आ रही है। आपने जवाब तो देना था कि तो, मैं इमाम नहीं हूँ भाई। नहीं जवाब तो नहीं जवाब तो आपको क्या पता उस वक्त हमारी कंडीशन क्या थी। और ये नायब इमाम है वहाँ के, हजरत आप सबसे पहले अपना नाम बताएं। अब्दुल कबीर मालक। आप मस्जिद के नायब इमाम हैं? हाँ सर।
आपको क्या मजबूरी पड़ी कि मस्जिद में अंदर जाके रिपोर्टिंग कराने की और झंडा वहाँ अंदर लगाने की? उन्होंने सर हमको ज़बरदस्ती लिया, वो नहीं लगा मानने। हमने उसको बोला बाहर करो, आगे करो, मकान था किसी का सर, मगर उसने कुछ नहीं माना। कि आपको अंदर क्या तकलीफ है, अंदर चलो। हम लोग डरे हुए हैं, हमने पहले काफ़ी मार खाई आर्मी से, हमारे कान पकड़े गए दो दो घंटे में, हम लोग डरते आर्मी देखकर। इसमें कुछ नहीं बिल्कुल मतलब ये है कि आप सबको ज़बरदस्ती करवाया गया, ये पक्का बात है कि ज़बरदस्ती बिल्कुल। जिस तरह से यहाँ पे बता रहे हैं कि आर्मी की तरफ और जो रिपोर्टर साथ लिया गया था उनकी तरफ से मस्जिद में इनको ज़बरदस्ती लिया गया, आप इनके अल्फाज सुन रहे हैं। साथ ही वहां मौजूद दर्जी शफकत हुसैन ने कहा कि हम ग्रामीण हैं, हम नहीं जानते कि सेना और OGW के बीच क्या होता है। सेना को देखकर मैं डर गया और इसलिए मैंने वैसा ही किया जैसा मुझे कहा गया। टाइम्स नाउ की अंग्रेजी वाली रिपोर्ट में 3:15 पर ये फौजी दिखता है। एक स्थानीय व्यक्ति के मुताबिक मस्जिद के बाहर सेना का खड़ा होना आम बात नहीं है। ऑल्ट न्यूज़ ने फाक्सू में तैनात सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और हमें सेना के PRO से संपर्क करने के लिए कहा। PRO ने बताया कि इस तरह की किसी भी घटना की जानकारी उन्हें नहीं है। इस फेसबुक लाइव वीडियो में पत्रकार शकील राजा से बात करते हुए एक स्थानीय नेता ने सेना के एक मेजर का हवाला देते हुए ये कहा। मेजर दपीश साहब से बात की, मैंने उनसे पूछा कि अगर आपने ये इवेंट ऑर्गेनाइज करना था तो पब्लिक प्लेस पे आपने क्यों नहीं किया, हम लोगों को क्यों नहीं बुलाया, आवाम को क्यों नहीं बुलाया, आपने किसी एक मखसूस आदमी को क्यों बुलाया। उनके जवाब था कि हमने उनको फोन किया है और हमें उनको कहा है कि हमने पब्लिक प्लेस पे ये इवेंट करना है, ना कि मस्जिद में। ये मेजर दपीश साहब के बयान है, ये उन्होंने मेरे साथ कहा है। ऑल्ट न्यूज़ ने टाइम्स नाउ के पत्रकार प्रदीप दत्ता से रफी और घटनास्थल पर मौजूद अन्य लोगों द्वारा लगाए गए आरोपों पर बात करने के लिए संपर्क किया। प्रदीप दत्ता ने हमारा फोन काट दिया और इस वीडियो के रिकॉर्ड किए जाने तक हमारे मैसेज का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। हालांकि मस्जिद के अंदर राष्ट्रीय झंडा फहराने के बारे में लोगों के अलग अलग विचार है, लेकिन ये साफ है कि टाइम्स नाउ ने अपने प्रसारण में एक स्थानीय नेता को मौलवी के रूप में गलत तरीके से पेश किया।